करेंगे आपका ये वाला आपका डीप फ्रिज के बारे में। ये वाला फ्रिज मेरे पास में आएगा, कस्टमर का दिक्कत है ये कूलिंग नहीं होता, जितना चलाया कस्टमर वो कूलिंग होता है। ये आपका हायर का डीप फ्रिज है, इसका मॉडल नंबर फिर इसका मॉडल नंबर चेक कर लेते हैं। देखिए फैन इसका मॉडल नंबर है, इसका मॉडल नंबर है HCF300GTQA। ये आपको 300 लीटर का डीप फ्रिज है, इसमें प्रॉब्लम है कूलिंग नहीं होता। सबसे पहले मैंने क्या किया, जहाँ से गैस रुकता है, गैस मतलब फिलअप होता है, वह उसको मैं तोड़ दिया, अंदर से गैस सब निकल गया। इसका प्रॉब्लम होगा चोकिंग, मुझे क्या करना है इसको अच्छे से फ्लैशिंग करके इसको नया गैस डाल के इसको फिर चालू कर देना है। उसके लिए मैंने क्या किया, डीप फ्रिज का जो कवर लगा होता है, देखिए फैन एक कवर लगा रहता है, एक वाला कवर है, ये फैन कवर लगा रहता है, इसको मैंने क्या किया, इसका मदद से इसको इसको यहाँ से निकाल दिया, मतलब यहाँ में था फैन इसको से निकाल दिया। ये देखिए फैन कैपेलिटी है, मुझे क्या करना है, इसको पहले एक कूलिंग पाइप है इसका अंदर में रहता है, उसको मुझे क्या करना है, कैपेलिटी को हटा के इसको फ्लैशिंग करके नया कैपेलिटी इसको जोड़ के ढक्कन कर फिर गैस डालना है। वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। देखिए फैन फ्लैशिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से दोनों पाइप को यहाँ से खोल देना है, उसके बाद में आपको फ्लैशिंग करना है। देखिए फैन फ्लैशिंग कैसे किया जाता है, आपको कूलिंग पैक को खोलना है। धोने का मैं आपको बराबर नीट दीजिए।
उसके बाद में कूलिंग का खोलने में आपको आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पूरा इसको लाल होने दीजिए, उसके बाद में आपको जो प्लास का मदद से उसको खींच दीजिए, वो अपना खोल जाएगा। ये आपको होगा कंडेंसर पाइप, पहले मैंने खोला, अभी मैंने जो कूलिंग का पाइप है उसको मैं मुझे खोल रहा हूँ। मैं देखता हूँ खुला है ना नहीं, पाइप को थोड़ा ज़्यादा हीट देने पड़ते हैं। थोड़ा आपको ज़्यादा इसमें हीट मारना है, उसके बाद में इसको खींचना है प्लास का मदद से। देखिए फ्रेंड, दोनों खुल गया, कूलिंग पर भी खुल गया, कंडेंसर पर। देखिए फ्रेंड, जब आप फ्लैशिंग करिए, सबसे पहले घर में डायरेक्ट लगता है उसको, आपको अच्छे से उसको आपके पास में स्विच पेपर में बहुत फायर है, उसको अच्छे से उसको घस दीजिए, जैसे हम लोग का डायरेक्ट का जो पाइप लगाए उस लीकेज ना हो, अच्छे से लगे लोहा में, ये हमेशा लोहा रहता है अंदर में। अगर आपके पास में स्विच पेपर हो तो वो भी अच्छा है, सबसे बढ़िया फायर मार दीजिए उसको। फाइन नहीं तो आपके पास में अगर स्विच पेपर हो इतना मोटा, उसको उससे रख दीजिए, उसमें अच्छा लगेगा। उसको चारों तरफ में उसको घुमा घुमा के जीतिए। देखिए फ्रेंड, पूरा छापा हो गया, हमारा वार्निंग इसमें अच्छा रहेगा। देखिए लोग फ्लैशिंग करेंगे यहाँ से, गैस जाके आपको यहाँ से निकल जाएगा। देखिए नहीं आ रहा है, कंडेंसर तो पहले कंडेंसर को फ्लैशिंग करना है मुझे फ्रिज का। ये देखिए यहाँ से निकल आएगा गैस, देखिए मैंने यहाँ का यहाँ से होके अंदर जा रहा है, उसके बाद में अंदर में कंडेंसर है, उसके बाद में आपको यहाँ से आ रहा है। बंद कर दीजिए एक बार, अंदर में पत्ते वाले हैं।
देखिए अपन तेल निकल जाएगा अभी। तेल था और एक बार अच्छे से फ्लैशिंग कर देता हूँ, मतलब कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो कूलिंग में। इसको जोर से दबाई जितना आपका प्रेशर हो शरीर में। अभी मैं उसको छोड़ दीजिए। अंदर में ज़्यादा तेल और थोड़ा गैस के बड़ा। देखिए फिर सारा गैस यहाँ से निकल गया। अच्छा हमारा कंडेंसर पाइप थोड़ा क्लियर होगा, क्लियर हो गया हमारा कंडेंसर पाइप। इसमें आते हैं, मैंने हमेशा 22 नंबर पे प्रेशर करता हूँ, फ्लैशिंग करता हूँ। देखिए फिर ठंडा हो गया पूरा। अरे मुझे कूलिंग कॉल को इसी तरफ में मुझे फ्लैशिंग करना है। क्या करना है, कूलिंग पैक को इस तरह मुझे फ्लैशिंग करना है। यहाँ से गैस आके यहाँ से निकल जाएगा, जितना अंदर में ऑयल है सब निकल जाएगा। फ्लैशिंग अभी नहीं होगा, होगा नहीं इसमें। मेरा यहाँ से ब्लॉक था, इसलिए हमारा अच्छा से फ्लैशिंग नहीं हुआ। मुझे फिर फ्लैशिंग करना पड़ेगा, मुझे फिर फ्लैशिंग करना है। देखिए फिर वीडियो में जैसे मतलब बंद हो गया था जब मैंने यहाँ से कचेरी खोला था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ मुझे। देखिए फिर मैंने मुझे फिर फ्लैशिंग करना है यहाँ से, फ्लैशिंग के लिए मुझे प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा। फिर मैंने जगह यहाँ से मुझे काट के इसे भी अच्छे मुझे फ्लैशिंग करना है। पूरा क्लियर हो गया। देखिए फिर तेल साइज के लिए आपको कस्टमर का कूलिंग नहीं हो रहा था, चॉकिंग था फ्रिज। कितना तेल अंदर में जब तक आपका पास में हाथ में 22 नंबर आ जाए उसके बाद आपको फ्लैशिंग अच्छा हो, नहीं तो आपको फ्लैशिंग अच्छा साबित हुआ नहीं। अभी तो मेरा फ्लैशिंग अच्छा नीचे तक ठंडा आ गया, ठंडा हो गया थोड़ा। आप लोग देख ले फ्लैशिंग कैसे करता है, थोड़ा टाइम लगता है, फिर अच्छा से करना चाहिए आपको।
फ्लैशिंग दोनों हो गया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से कट करके इसमें डायल लगा देना है, उसके बाद में ये दोनों पाइप ये दो दो पाइप देख रहा है, दोनों को हमें जोड़ देना है जैसा था। उसका बाद में मुझे इसमें पिन पैप लगा देना है। उसका बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैपिलरी यहाँ से जो डायल में जोड़ता है उसको जोड़ देना है। उसका बाद में मुझे वैक्यूम करके फ्रिज को गैस डाल देना है। आप वीडियो में बने रहे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बताएं आपका डीपीएस में क्या प्रॉब्लम हुआ है, जो प्रॉब्लम है मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। उसके लिए आपको बिल्कुल मत आप लोग सोचिए मैं बताऊंगी नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगी अगर मेरा बस का हो तो। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पिन पैप जोड़ना हो गया। मुझे अभी क्या करना है, यहाँ से कंडेंसर पाइप कूलिंग पाइप को यहाँ से फिर जोड़ना है। जैसे मैंने इसको खुला था इस तरफ में इसको जोड़ना है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको सबसे पहले आपको अंदर में गार्ड लगा देना चाहिए।
फिर मेरा कूलिंग पाइप, देखिए फिर मेरा कूलिंग पाइप जोड़ के अभी मुझे कंडेंसर पाइप अभी मुझे जोड़ना है, थोड़ा दिक्कत हुआ है। कभी कल मुझे कभी कल आपको भी दिक्कत होगा जोड़ने के लिए, कभी कल जो पाइप आता है थोड़ा हार्ड हो जाता है वरना जो आता है डीप फ्रिज, इसके लिए थोड़ा मुझे आज में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, करते रहिए, आपको फिर होना चाहिए, मतलब होगा ही, ना हो के जगह गया। उसके बाद मुझे भी कंडेंसर पाइप को जोड़ना है, देखते लीजिए कूलिंग पाइप मुझे अच्छे से शायद लगा हुआ, देखिए फिर ये वायरिंग क्या है मैंने, देखिए फिर जोड़ना अच्छा हो गया। अभी मुझे कंडेंसर पाइप को जोड़ना है, देखिए फिर अभी मुझे कंडेंसर पाइप को जोड़ना है। पहले इसको ढुका के थोड़ा ग्लास का मदद से इसको थोड़ा अंदर में माड़ी, मतलब माड़ी से अंदर में घुस जाए, उसके बाद में झलाई कर दिए आपको अच्छा से झलाई हो जाएगा। अभी मुझे झला करना है, झला करना है, कुछ जोड़ना है इसके लिए आपको हमें छोटा में फिर इसके बाद डाल देगा, उसके बाद वन फोटे हमें देख के अच्छे से उसको झला करना है, ज़्यादा नुकसान होता है सबको झला करना है। झला है मेरा अच्छे से हुआ है, मुझे शायद लगता है, आप भी देख लीजिए। देखिए फिर अभी मुझे क्या करना है, इस एक एप्रिल को इसमें जोड़ना है। मेरा डायर जैसे झला वाला हो गया, मुझे अभी वैक्यूम करना है। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से डीलर टू अबलोट लगा दे पहले, देखिए अबलोट मैंने लगा दिया। उसके बाद में ये डीलर उसको भी लगा दिया, अच्छे से लगा दिए। उसके बाद में कारण करता है उसको उसको लगाने आपको, उसके बाद में आपको फिर इसको चालू कर देना, सो हवा यहाँ से निकल जाएगा। अभी मेरा फ्रिज वैक्यूम हो रहा है, देखिए मैं लगा दिया मैंने करंट बोर्ड में, उसके बाद में इसको चालू कर दिया, जितना अंदर में जितना हवा हो सब यहाँ से निकल जाएगा। देखिए लगभग आपको 20 मिनट जैसे इसको करना है वैक्यूम, उसके बाद में हमको उसको जला कर देना है। मेरा फ्रिज वैक्यूम हो रहा है, अभी गैस चेंजिंग हो रहा है फ्रिज का, देखिए फिर अभी गैस घुस रहा है अंदर में कंडेंसर पाइप में, हमको जितना गर्म होगा अंदर में इतना ठंडा होगा। देखिए फिर अभी इसको चलना चाहिए 10-15 मिनट, उसके बाद में